तारीख थी 12 नवंबर और साल था 1995 का। जगह मुंबई का महालक्ष्मी रेसकोर्स। मौका था भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय महाधिवेशन का। निवर्तमान बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन तक पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मंच पर थे। फिजा में हल्की ठंडक घुली थी। हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। आखिर क्या हुआ था उस दिन, जिसका जिक्र हम आज करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो को एक मिनट भी मिस न करें। कहानी बेहद रोचक और हैरान करने वाली है। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दें। यहां हम आपको यह बताते चले कि अगले साल देश में आम चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आडवाणी जी इस महाधिवेशन में एक खास इरादे के साथ आए हैं। इरादा ऐसा जिसकी उनके अलावा किसी को भनक तक नहीं थी। अधिवेशन अपनी रफ्तार से चल रहा था, इसी बीच वाजपेयी जी ने अपना संबोधन खत्म ही किया, तभी अचानक आडवाणी जी उठे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया और संबोधन करते करते एक ऐसा ऐलान कर दिया कि अधिवेशन में बैठे सभी नेतागण और हजारों कार्यकर्ता सन्न रह गए। उन्होंने ऐलान किया कि भाजपा अगला चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में लड़ेंगे। वह पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ये सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। आडवाणी जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कई सालों से न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी यही नारा दे रहे हैं कि अगली बारी अटल बिहारी। मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी अटल जी की अगुवाई में अगली सरकार बनाएगी। आडवाणी जी जैसे ही अपनी बात खत्म कर कुर्सी पर बैठने लगे, वाजपेयी जी झट से उठे और माइक पकड़कर कहा कि हम सरकार बनाएंगे और जरूर बनाएंगे, लेकिन आडवाणी जी के नेतृत्व में। न वाजपेयी जी मानने को तैयार थे और ना ही आडवाणी जी। दोनों एक दूसरे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते रहे। अगले कुछ मिनटों तक दोनों के बीच की इस आप की खट्टी मीठी तकरार के गवाह मंच पर आसीन नेताओं से लेकर हजारों कार्यकर्ता रहे। इस दौरान आडवाणी जी और वाजपेयी जी के बीच का संवाद कुछ इस तरह का था। हम अटल जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे, नहीं हम सरकार बनाएंगे और आडवाणी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। घोषणा हो चुकी है तो मैं भी घोषणा करता हूं कि प्रधानमंत्री अटल जी ही होंगे। आपने ये क्या ऐलान कर दिया, कम से कम मुझसे तो बात करते, क्या आप मानते? अगर हमने आपसे पूछा होता। आडवाणी जी फैसला कर चुके थे, वह अगले साल होने जा रहे चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वाजपेयी को चुन चुके थे। लेकिन इस फैसले से पार्टी और कार्यकर्ता दोनों हैरान थे। हैरानी का आलम यह था कि आडवाणी मुंबई के जिस होटल रूम में ठहरे थे, उसी शाम उस समय बीजेपी के महासचिव रहे गोविंदाचार्य वहां उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने कमरे में पहुंचते ही पहला सवाल किया कि आप इस तरह का ऐलान कैसे कर सकते हैं। इस पर आडवाणी जी ने कहा कि मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। इस घटनाक्रम और बातचीत का पूरा ब्यौरा वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में किया है। वह बताती हैं कि जब मैंने इस पूरे मामले पर आडवाणी जी से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस पर दूसरों की राय लेता तो इस फैसले पर कभी नहीं पहुंच पाता। मुंबई में आडवाणी जी ने जो ऐलान किया उससे पार्टी के भीतर और बाहर हर कोई हैरान था। ये वो दौर था जब आडवाणी जी वाजपेयी जी से बड़ा चेहरा थे। उनकी रथ यात्रा से वो पॉलिटिकल स्टार बन गए थे। कई लोगों को संदेह था कि वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का आडवाणी जी का फैसला उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने वाजपेयी जी को इसलिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया क्योंकि उन्हें खबर लग गई थी कि श्री पीवी नरसिम्हा राव हवाला मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कराने की तैयारी में हैं। हवाला मामले में आडवाणी जी सहित कई बड़े नेताओं पर आरोप था। नीरजा चौधरी अपनी किताब में लिखती हैं कि संभवतः आडवाणी जी को यह अंदाजा लग चुका था कि अगर वे प्रधानमंत्री पद के लिए खुद के नाम का ऐलान करते हैं तो उन्हें हवाला मामले में आरोपी बनाए जाने की वजह से उम्मीदवारी से पीछे हटना पड़ सकता है,
जो कि एक बड़ी शर्मिंदगी होगी। ये संयोग था या कुछ और? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वाजपेयी के नाम के ऐलान के 2 महीने बाद ही हवाला मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें आडवाणी को आरोपी बताया गया। इससे आगबूला आडवाणी जी ने तुरंत संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि जब तक वे इस मामले में बेदाग साबित नहीं होंगे, संसद में कदम नहीं रखेंगे। ऐसे में पार्टी की जोर आजमाइश के बाद भी उन्होंने 1996 का चुनाव नहीं लड़ा। ये उनकी हठ ही थी कि 1998 में इस मामले में बेदाग साबित होने के बाद ही उन्होंने संसद में वापसी की। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक एक बेहद रोचक जानकारी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें, ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा।